शी के साथ जो थी मैं समझता हूं इट वाज एक्सेप्शनल और जो मैसेजिंग उसमें हुई है एंड लेट मी शेयर विद यू ऑन बोथ साइड्स उसमें जितनी क्लैरिटी मैंने देखी है शायद माजी में ना देखी हो जितनी क्लैरिटी हमारी मैसेजिंग में थी और जवाबन उनकी मैसेजिंग में थी तो दैट वाज अनदर वेरी वेरी यू नो इनक्रेजिंग साइन इस पर uh, हमारी ख़्वाहिश थी कि वज़ी अजम चीन जा रहे हैं तकरीबन और क़्यादत से मिल रहे हैं दो साल के वक्फे के बाद ये इंटरेक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ बड़े वाज uh, पैगाम जाएँ और वो गए uh, हमारी तरफ़ से भी गए और उनकी तरफ़ से भी आए जो उनके कोर ऐशूज़ हैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है आप सब वाकिफ़ हैं जो हमारे कोर ऐश्यूज़ हैं आप सब वाकिफ़ हैं दोनों तरफ़ से उनका अदादा तजद वाज तौर पर हुई इसके साथ साथ एक तासर जो पाकिस्तान में उभर रहा था कि देखिए जी आ, सी पैक जो है वो तातुल का शिकार हो गया वो गर्म जोशी नहीं रही उस तसर को दूर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हकीक़त का बरक्स था हकीकत के बरक्स था लेकिन दूर करना ज़रूरी था और वह हुआ और उस पर वज़ी अजम ने कुछ ठोस फ़ैसले किए जाने से पहले मिसाल के तौर पर हमारी जो आई पी पी की पेमेंट्स थी आ, वो उनमें कुछ ताखिर हो रही थी तो उस पर एक फ़ैसला किया गया और वो वहाँ अदा की गई और उसका उनसे शेयर किया गया और उससे यकीन आ, वो परेशान हुए हम सब परेशान हुए बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज़ ए टारगेटेड टेररिस्ट अटैक और जो नहीं चाहते कि हमारा ये जो मंसूबा आगे बढ़े और जो जो स्पॉयलर्स हैं वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं लेकिन उसमें भी जिस तरह पेशर हुई है और जो मैसेजिंग हुई है और जो कॉम्पनसेशन हुआ है जो इजहार हुआ है मैं समझता हूँ कि सी पैक पर भी इन अब और जो अब वज़ी अजम बता देंगे जो आगे उनकी तरफ से जो इशारे मिले हैं बड़ी मुसबत चीज़ सामने आ रही है अफ़ग़ानिस्तान अफ़गानिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह चीन और पाकिस्तान में मुकम्मल जिसे कहते हैं ना सोच में मुताबकत है और आ, कंसल्टेशन भी है कोऑर्डिनेशन भी है और आ, उस पर भी वजीर आजम की तफसीली गुफ्तु भी हुई और एक आगे का रोड मैक भी तय हो गया मिसाल के तौर पर आ, हमने तय कर लिया है कि इन श मार्च में आ, मैं एक मरतबा फिर इन चीन जाऊँगा जिसमें अफ़ग़ानिस्तान पर हमारी ख़ास तौर पर आ, दो नशस्तें तो तय हो चुकी हैं एक जो पाकिस्तान के इनिशिएटिव से हमने एक प्लेटफॉर्म ऑफ द इमीडिएट नेबर्स बनाया है अफगानिस्तान का जिसमें छः हैं आ, उनकी नश्त होगी और दूसरा हमने फैसला किया है जो ट्राई है बिटवीन चाइना अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान उसको असर उसको फिर आगे लेके चला जाए ताकि हम दोनों मिलकर देखें कि हम अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में अमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करने में इकोनॉमिक क्लैप से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर भी हमारा हम आगे बढ़ें और ट्रॉय का प्लस की अहमियत से भी आप वाकिफ़ हैं तो उसका भी इम्कान मौजूद है एंड इवन जो साउथ एशिया की स्ट्रेटिजिक स्टेबिलिटी है और आ, आ, हमारा मसला है कश्मीर है उस पर भी जो क्लैरिटी मैंने देखी हिंदुस्तान के रवैये में आ, हिंदुस्तान क्योंकि आपके इलमे है कि कुछ अरसा प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने से पहले भी और उनके आ, आ, दौरे के दौरान भी और वो भी बहुत अच्छे रहे और फिर थिंक टैंक्स के साथ आ, आ, बड़ी अच्छी नशिस्त हुई आ, उनके साथ और वहाँ कम से कम 22 ऐसी आ, स्टेट ओन और प्राइवेट कंपनीज थी जिनके साथ जो दिलचस्पी रखती हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की तो उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई हमारे चेयरमैन सी पै काद मंसूर साहब तशरीफ़ रखते हैं वो भी हमारे हमरा थे तो वो भी हमारी बड़ी अच्छी और एक चीज़ जी और वो बीस के करीब नशस्तें हुई इसके साथ जो एक हमने कोशिश की जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा था और प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी एक्सपर्टीज़ को समझते हुए आपसे रहनुमाई भी लेना चाह रहे थे और अपने तसरात भी आपसे शेयर करना चाह रहे थे थैंक यू सर असल में मेरा तो ये आइडिया था कि मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है जो कि मेरे साथ थी वहाँ तो आप आ... आपकी राय भी सुनना चाहता हूँ आप किस आ, कौन से एस्पेक्ट के ऊपर जो चाइना की ये जो हमारा दौरा था इसके ऊपर किस एस्पेक्ट के ऊपर आप एलेब्रेशन चाहते हैं बातें चाहते हैं और फिर हम आ, थोड़ी से आइडियाज़ भी बाउंस किया करें आपके साथ कि जिधर आज पाकिस्तान प्लेस्ड है और जो एक पूरा दुनिया के अंदर एक नक्शा बड़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है कि जब हम आ, दुनिया का जो पॉलिटिकल मैप है जब दो साल पहले चाइना गया था तब से और अब के बीच में दुनिया में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आई हैं तो इसलिए ये दौरा उस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ा रेलेवेंट था सबसे पहले एक तो वो जो कोविड से जिस तरह पाकिस्तान कोप किया और निकला और जिस तरह हम सी की तरफ गए तो एक तो उन्होंने उसको बहुत क्लोजली फॉलो किया और बहुत उसकी उन्होंने तारीफ की दूसरा जो हमारी इकॉनमी है और जिस तरह हमारे सारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स सही रास्ते पर निकले हुए हैं वो उन्होंने बड़ा ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान और शी ने भी ख़ास तौर पर कहा कि यूरोप तुम अब उस सस्टेनेबलिटी पर निकल रहे हो और उसकी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी उन्होंने जो इस बारी हमें आ, जिस तरह की जो सपोर्ट ऑफर की और वो अब ट्रांसलेट होगी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्योंकि उनकी मैंने जो जितना भी चाइना पाकिस्तान की स्टडी की है मेरे ख़्याल में ये हमारी रिलेशनशिप उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉग इस ट्रिप के बाद है लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आ, ये, ये ये बैठे हुए हैं फाइनेस मिनिस्टर इनसे आप बात कर सकते हैं किसी एस्पेक्ट के ऊपर कोई इंक्वायरी हमारा आइडिया था आपसे इंट्रैक्शन करना और फिर आपके व्यूज़ भी ले लें बिकॉज आप सब जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन्हें पता है कि ये जो सारा एक चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप है दुनिया में उसके कॉन्टेक्स के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए और स्पेसिफ़िकली मैं सिर्फ अफगानिस्तान का ये कह दूँ कि अफ़ग़ानिस्तान का तकरीबन सारे सब का कंसेंसस बन चुका है यूरोपियंस uh, का सारी अफगानिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स का सबका इस वक्त कंसेंसस है कि उनको ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए और उनके रिजर्व्स को डीफ्रीज करना चाहिए ये सारे ये सब का अमेरिका का और अमेरिका के अंदर भी ये वो भी ये समझते हैं कि अगर यह इस तरह उन्होंने चलते गए तो उनको काफ़ी नुकसान होगा अफगानिस्तान का अगर क्या की तरफ चला गया तो इवेंचुअली अमेरिका भी रियलाइज़ करता है लेकिन अमेरिका अपनी डोमेस्टिक कम्पलशंस की वजह से फंसा हुआ है रशिया चाइना जिन जिनसे भी हम मिले हैं उनमें सब में बड़ी क्लैरिटी है कि अफगानिस्तान को डिसेंड नहीं होना चाहिए इन टू के तो उसमें जो हमारी पहले दिन से पोजीशन थी पहले तो शुरू में बड़े गार्डेड थे जब आ, जब तालिबान का क्योंकि एक्चुअली सब ही शौक में थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे इस पोजीशन के ऊपर आ गए जो हमारी पहले दिन से थी सुन रहे हैं दो हज़ार से Uh, असल मसला अभी शाह साहब कह रहे थे फॉलोअप का है आपने मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा लेकिन आपने आई थिंक नवंबर 2019 में जो गवादर का पावर प्लांट है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी आज तक उस पर काम नहीं शुरू हुआ आज मुझे पता चला कि साइनोशोर जो उनकी इंश्योरेंस कंपनी है फाइनली चूँकि वो डेट सेटलमेंट कुछ आउटस्टैंडिंग की हुई है उसके बाद उन्होंने अभी फ़ैसला कर लिया कि अब जल्द इन छुट्टियों के बाद काम शुरू करेंगे मेरा बुनियादी सवाल ये है कि चूँकि आपको लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं यहाँ पर जब मीटिंग्स होती हैं अली सती असल मसाइल वहीं पर रहते हैं आपने तीन महीने पहले भी मीटिंग्स की थी सफ़ी भी आया था आपके पास तो मैं यहाँ एक, -एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पर यह आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो फॉलोअप्स हैं किसी को फोकल पर्सन लगाएँ कि पता करे कि ग्राउंड ब्रेकिंग हमने नवंबर 2019 में कि आज तक उस पर काम नहीं शुरू हो सका इसमें नुकसान किसका हुआ है इसमें गवादर का नुकसान हुआ इसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और वो था कि आपका जो टू, टेरिफ के इशू पर ना दो साल आपके हमने गंवा दिए हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर इस पर मैं आपको बताऊँ आप रियलाइज़ करें कि दो सौ के बाद कोविड आ गई चाइना बंद हो गया ये पहली दफ़ा प्रेसिडेंट शी की मुलाकातें हुई हैं ये इस बारी ये दो साल के बाद हुई हैं तो उसके अंदर सब कुछ रुक गया ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये पावर प्लांट्स इनको फाइनेंस करना था किसी ने साइनाशोर ने करना था तो वो हमारे जो इश्यूज बने उसके बाद क्योंकि हमने तो कई चीज़ों के ऊपर अब मैं डिटेल्स डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें सेटलमेंट करनी थी उनसे क्योंकि वो अभी उनकी सेटलमेंट नहीं हुई तो वो इस इस ट्रिप के ऊपर पहली दफ़ा मौका मिला उनकी और वो जब तक उनकी लीडरशिप उसके ऊपर नॉड नहीं देती नीचे कोई चीज़ आपको पता है उनका जो सिस्टम है जैसा वो चीज़ वो मूव नहीं करती चीज़ें तो ये जो आप कह रहे हैं ना ये हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं प्रसूव करने के लिए लेकिन जब तक वहाँ लीडरशिप की मीटिंग नहीं होनी उन्होंने तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट श्री ने पाकिस्तान आना था तो उन्होंने अपनी ट्रिप आगे डिले की तो उस ट्रिप के ऊपर वो जो चीज़ें होनी थी वो अनफॉर्चुनेट डिले हो के अब अब जाके सारी बातें हुई है दूसरी में एक छोटी सी बात अल जस्ट टेक वन मिनट कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये हमेशा स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं चीन में जो स्पेशल जोन्स बने हैं वो हर चीज़ उन्होंने हाथ में ले कर सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करके फिर इन्वेस्टर से कहा कि अब आ जाए हमने आज तक रेशम हमसे फुली फंक्शनल नहीं हो सके तो अगर इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए अपने साथियों से, से इस... कहें कि तो उसको फेडरल प्रॉपर्टी करार दे के दे। हर इम्यूनिटी वहाँ पहुँचाई जाए ताकि काम शुरू हो सके उसमें आज ये हम कर नहीं सकते एटीनथ अमेंडमेंट के बाद मैं मैं आपसे बिल्कुल इस सिर्फ सिर्फ ये स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स का इशू नहीं है या एटीनथ अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है तो आ, अब मैं आपको इसकी आगे भी डिटेल्स दे सकता हूँ कि क्या आप सिंध के अंदर गंदम किस कीमत पर बिक रही है और पंजाब में किस कीमत पर बिक रही है ये होना तो नहीं चाहिए मुल्क में एक ही कीमत में गंदम बिकनी चाहिए उसके बड़े डिसएडवांटेज है वहाँ से इधर से उधर चली जाती है गंदम एक सूबे से दूसरे में जो शॉर्टेजेज़ हो जाते हैं कीमतें ऊपर ये यूरिया के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हैं अब यूरिया वहाँ से सिंध के अंदर आ, हम हमें वो पता ही नहीं है कि उन्होंने किधर होल्ड किया हुआ है सो ये इसमें कई इशूज़ हैं एटीन अमेंडमेंट में कि मुल्क के जो फैसले होने चाहिए और आप बिल्कुल आपने ठीक एग्जाम्पल दी चाइना की देखिए चाइना का सबसे बड़ा इशू जो उनकी एडवांटेज है कि वहाँ उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो जब एक फैसला हो जाता है तो वो फिर इम्प्लीमेंट होता है हमारे जो हमने अभी हर चीज़ में देखा एस एम के अंदर देखा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखा वो पहले से, सेंटर से और होता है फिर प्रोविंस के अंदर जो भी बिज़नेस चाइनीज़ बिजनेसिस को प्रॉब्लम्स हुए हैं वो सिनर्जी नहीं है सेंटर के अंदर प्रोविंस में और स्पेशली वो प्रोविंस जिसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है देखें जी प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ऑलमोस्ट यू नो महीने में दो दो दफ़ा मीटिंग्स ली हैं कि ये जो बात आपकी सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है हमें हेल्प की है कनेक्टिविटी में उन्होंने हमें हेल्प कर दी है अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं ये तो हमारे लिए एक किस्म से वो फ्रूट जो 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 असल फ्रूट तो अब मिलेगा ना रबर मिर्च रोड तो अब है तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको एक किस्म से ऑपरेशनलाइज करें और यहाँ इंड, इंडस्ट्री लेके आए तो पीएम ने जो डिसीजन लिए हैं क्योंकि एटीथ अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल वो सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी हमने इनको ऑटोनमस बनाने की कोशिश की है कि हर चीज़ जो है हर फैसला जो है वो जोनी के अंदर हो जाए ये दस दस एजेंसीज ना हो जाए फैसलाबाद हो गया राशा हो गया धाबे जी वगैरह तो इन ये अब जो अब इस वक्त जो रजीम है उसके बीच में हमने ये भी कहा है कि जब ये चाइनीज़ और आपके पास हमारे पास खालिद मंसूर साहब हैं जो कि चाइना को तीस साल से जानते हैं कि जो इन्वेस्टर जब आएगा तो ये उसके साथ किसी ना किसी को लगा देंगे ताकि ये नहीं होगा कि वो दर दर ठोकरें खाता फिरेगा वन पर्सन वन इन्वेस्टर उससे ये होगा कि वो उनकी प्रॉब्लम जो है रिज़ोल्व करेंगे बहुत सारा इसलिए रुक गया सी पैक का इसलो हो गया कि चाइनीज़ आपकी गवर्नमेंट से नाराज हैं। उसके बारे में कोई क्लरिफिकेशन हमें को दे सके कि क्या हकीकत क्या है कि वो रिजॉल्व हो गया है क्या इशू है ये ये सर बता दें जो ये तासर महीद आपने दिया ना कि सी पैक स्लो हो गया उसमें मैं सर ये फिगर्स कुछ दे, दे दें आपको कि ये जो पहले इसलिए स्लो नहीं हुआ कि वर्किंग ग्रुप पहले सात थे अब ग्यारह हैं नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो थे 2018 तक 10 हुए थे अब 9 साढ़े तीन साल में हो गए हैं नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए थे 2018 तक वो दो हैं अब साढ़े तीन साल में सात मुकम्मल हो गए हैं रोड जो कंस्ट्रक्शन हुई वो 415 किलोमीटर हुई थी पिछले 2018 तक इन साढ़े तीन सालों में चार किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं जो यूएस 3.97 बिलियन डॉलर थे 2018 तक इन्वेस्टमेंट अब तकरीबन तीन इशारे पैंतालीस बिलियन इन साढ़े तीन सालों में हुई है और जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो 2018 तक टोटल जो थे वो सत्रह थे अब तीन नए प्रोजेक्ट्स और तो अभी जो हम करके आए हैं बीस इसमें जो है वो शामिल हुए हैं पावर जनरेशन लास्ट में बता दूँ कि तीन, तीन मेगावाट थी इन साढ़े तीन सालों में पाँच हज़ार आठ सौ चौंसठ मेगावाट बिजली जो है वो आई है और ट्रांसमिशन लाइन 2018 तक एक मीटर भी जो है आ, वो नहीं पड़ी थी आप तकरीबन तो 880 किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डली है तो जस्ट अ कंपैरिजन हमें जो तीन साल में प्रॉब्लम आई है ना वो ये कि हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है कि वो एक उसका कनेक्शन नेशनल इंटरेस्ट से चला गया ये जो दो कनेक्ट होता है ना मसन आपको सबको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि ये हमारा रास्ता है ये नेशनल इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट्स हैं फ़ॉर इन्वेस्टमेंट है या इम्पोर्ट uh, सब्सट्यूशन जो 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 वेल्थ क्रिएट करता है मुल्क में वो एक्चुअली वो डिवोर्स हो चुका है सिस्टम एक ऐसा निकल चुका है कि वो अब जिधर भी दुनिया में उन्होंने तरक्की की और वेल्थ क्रिएट की है उन्होंने सारे मुल्क ने जोर लगा के वेल्थ क्रिएट किया एक्सपोर्ट्स के ज़रिए हमारा इतना डिसकनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज़ से फ़ायदा होना है हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुँचा रही है या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है जैसे अभी मैं मुझे फैसलाबाद में मैं चैम्बर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा आ, कपड़ों का इन्वेस्टर है हज़ारा तो उनका हेड वो स्पेन में वो आना चाहता था पाकिस्तान तो बजाय वो ऑनलाइन उससे वीज़े पर अप्लाई किया तो ए, एम्बसी ने उसके सी को कह नहीं आप इधर आकर पहले वो करेंगे सो इन अदर वर्ड्स के जो कॉरेशन है बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट और जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है उसको अलाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और वो एग्जैक्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये हुआ क्योंकि हमें शुरू शुरू में यही जो जो प्रॉब्लम्स आए जिस तरह की मस कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ज़मीन वो रियल इस्टेट की तरफ चली गई वो उसके इतने एग्जॉपटेंट कॉस्ट चले गए कि वो फैक्ट्री उसने लगाएगा तो प्रॉफिट कैसे लेगा सो एनी वे वो हम कर रहे हैं सर आप रेगुलर मीटिंग्स करके इनको अलाइन कर रहे हैं जी आम आप जब नवंबर 2019 में चीन तशरीफ लाए थे तो मैं उस वक्त पाकिस्तान की वहाँ एम्बेसडर थी पहली बात तो ये सर कि बहुत ही बरवक़्त दौरा था और बहुत कामयाब दौरा था बहुत क्लोजली हम लोग जो चीन में रहे हैं उन्हें फॉलो किया है एंड फैसिलिटेशंस uh, क्योंकि बड़ी अच्छी इसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा आया है और रोड मैप भी uh, बहुत क्लियर आगे का नज़र आ रहा है uh, मेरे कॉलीग्स ने जो बातें की मैं कम्प्लीटली उनके साथ एग्री करती हूँ लेकिन मैं दो कमेंट्स करना चाह रही हूँ जो इस विज़िट से थोड़ा सा हट के हैं uh, क्योंकि आपने uh, फरमाया कि uh, आपने हम लोगों को बुलाया कि आगे की जो हमारी रिलेशनशिप की ओरियनटेशन है Uh, वो क्या होनी चाहिए मुझे पूरा यकीन है कि इस विज़िट में जो फ़ैसले हुए हैं बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं लोगों की बाकी सब की भी बहुत नज़रें हैं आई एम sure श्योर उन पर फॉलोअप भी होगा और पॉजिटिव चीज़ें निकलेगी लेकिन uh, मैंने गुजारिश ये करनी थी कि हमारा जो फ्रेंडशिप का एक बेस है जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो हमारी एक ट्रीटी है 2005 की जिसकी मदत 2025 में ख़त्म हो रही है Uh, मेरी गुजारिश ये थी कि आई डोंट नो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनी मो आई एम श्योर इस पर गुफ्तु हो रही होगी बहस हो रही होगी लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पॉटेंट है कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट uh, जो है वो चीन के साथ uh, मिल के बनाएँ विच शुड बी विजन ट्वेंटी फ़िफ्टी एंड बियॉन्ड और मैं विजन 2050 इसलिए कह रही हूँ कि 2049 में चीन को बने हुए सौ साल हो जाएंगे और उनका जो सेकेंड मिलेम गोल है विच इज़ द रीजूवनीशन ऑफ चाइना वो कंप्लीट हो जाएगा विच इन सिंपल वर्ड्स मीन्स के वो सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क पढ़ के उभर गए उभरेगा लेकिन 2050 के दरमियान और यहाँ अभी इश्क इम्तहा और भी हैं बहुत सारे मसाइल आएंगे जिस तरह दुनिया का नक्शा चेंज हो रहा है जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकनॉमिक तो आई थिंक एक हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हमने इन मुश्किल को किस तरह अबूर करना है और 2050 में तक का हमारा क्या विजन है रिलेशनशिप uh, का एंड बियॉन्ड 2050 सो so जो आपका नेक्स्ट विज़िट हो या जब प्रेसिडेंट शी आए तो आए माय रिक्वेस्ट वुड बी कि हमें इस पे काम करना चाहिए ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस ने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ आस होर्व चाइना वुड बी वेरी हैप्पीट्रीब्यूट दूसरी सर मेरी आप आ, से गुजारिश ये है कि सी पैक के, के प्रोजेक्ट्स तक बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन हम लोगों के जहन में आई डोंट नो इकनॉमिक वो ऑपरेशन जो है आ, वो सिर्फ सी पैक प्रोजेक्ट पर आके हम थोड़ा सा कुछ रुक से जाते हैं चीन सी पैक से बाहर भी बहुत कुछ है तो एन का प्लानिंग का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना बड़ी अच्छी बात है दोनों गवर्नमेंट इदारे हैं लेकिन जो असल इन्वेस्टमेंट है जो असल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोविंस में हैं जो असल इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ लाने को तैयार हैं जो ऑलरेडी खालिद मंसूर साहब के पास भी हैं प्रोजेक्ट्स 15 बिलियन के 12 बिलियन के जो बिल्कुल पैसा लेके आपके पास तैयार बैठे हैं आने जो एन के एम्बिट में नहीं आते दे आर अबव एंड बियॉन्ड एनडीआरसी और चाइनीज गवर्नमेंट भी अब आपको ये कह रही है कि देखिए वी हैव ऑथराइज द प्रोवेंसिस कि वो जाएँ और बाहर इन्वेस्ट करें उनको अब ये परमिशन मिल चुकी हैं और चीन की एक एक प्रोविंस का जो जीडीपी है वो पाकिस्तान के पूरे जीडीपी से तीन तीन चार चार गुना ज़्यादा है सो माय रिक्वेस्ट वुड बी के सी um, अथॉरिटी भी और ख़ास तौर पे बीओआई वो एन के एम्ब से उसकी सिक्योरिटी से और ये लोन और आ, ग्रांट के प्रोजेक्ट से निकल के जो रियली बिग फिश हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वो करें मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि आपकी भी उन लोगों से मुलाकात हो इस विज़िट में नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम बट आई डू होप के जो रियल इन्वेस्टर्स वहाँ हैं उनसे हम इंगेज करेंगे एंड वन लास्ट थिंग आई एग्री विद माई वेरी सीनियर रिस्पेक्ट कॉलीग अम्बेसडर मसूद खालिद साहब के बहुत सारी चीज़ें अगर आप ले जाएँ ये काउंसिल ऑफ़ कॉमन इंटरेस्ट में तो उसमें आप ये भी आप प्रोविसेस को कह सकते हैं कि जी बड़े आपके पास फाल मेकनिज़म्स हैं ऑफ़ सिस्टर प्रोविंस एंड सिस्टर सिटीज़ जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट आ सकती है अगर प्रोविंस किसी को आंसरेबल हो कि जी ये आपने एग्रीमेंट साइन किए हुए है साइन करके पता नहीं मनो मिट्टी के नीचे दबाया हुआ है उसे निकालिए बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसका कोई एन से ताल्लुक नहीं है क्योंकि उसके एम्बिट में ही नहीं आता एन के एम्बिट में सिर्फ सी प्रोजेक्ट्स आते हैं सो आई वुड लाइक टू से गो बियॉन्ड सी पैक द रिलेशनशिप मच बेगा एक चीज़ रियलाइज़ किया है चाइना में कि जब ऊपर से उनके सिग्नल आ जाता है जिस तरह प्रेसिडेंट शी की जो कम्यूनिकेश वो एक वो उसका इंपैक्ट बिल्कुल ही और पड़ जाता है बाकी भी सब मीनेबल हो जाते हैं तो ये जो हमें प्रॉब्लम्स आए थे आ, साइना शोर से तो इसलिए ये मीटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि दो साल से मीटिंग हो नहीं रही थी वो और जिस तरह का वो वो रिएक्ट किया उन्होंने ये कोविड के ऊपर मैंने दुनिया में कहीं इस तरह की देखा ही नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ और हम हमने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो कितना उसको सीरियसली थे दो दो दफ़ा तो हमारे टेस्ट होते थे दिन के अंदर के आपने लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमें ये शाहजी और मैं जब हम वो गेम्स पे गए तो जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि चाइना के बाद सिर्फ़ एक मुल्क को एक मिला था कुछ सत्तर पता नहीं और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आई मीन क्राउड के अंदर अब इतने ज़्यादा मुल्कों के अंदर ये कि इसका मतलब कि काफ़ी डीप रूटेड हमारी रिलेशनशिप है ये विजिट बहुत अच्छी रही और हमें तो जॉइंट कम्यूनिटी से भी ये अंदाज़ा हुआ था कि विजिट अच्छी हुई और आपने जो कहा कि आपकी बड़ी आ, गहरी बातें हुई हैं शी के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बड़ी अच्छी खबर है इसलिए कि इस शहर में एक चैटर था कि दुकान बंद हुई हुई है से पैक पे और कुछ नहीं हो रहा चीनी बहुत नाराज़ हैं और मैं आपको ये वथॉर्टी ये कि हमसे भी लोगों ने बातें की इंक्लूडिंग चाइनीज़ इट्स गुड कि योर विजिट हैज़ दैट स्पिरिट कम्प्लीटली और मीडिया में तो खैर जो भी है मीडिया का मैं यहाँ बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं बट देर आर देर आर पीपल हु बीन जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग दिस दिस होल थीम इसके अलावा भी दो मार्केट करते हैं <laughs> हर दो महीने के बाद so, एक थीम आ जाती implementation is absolutely की, की है इम्प्लीमेंटेशन इज एप्सली ए वन आपकी की प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहाँ पर ये है आप एक टीम बनाएं अपनी अपने दफ्तर में टीम बनाएं जो वीकली बेसिस के ऊपर हर चीज़ को मॉनिटर करे एंड दे शुड बी शर्पाज आई मीन यू नो नॉट सिंपली ब्यूरोक्रेट्स बट पीपल हु द एबिलिटी टू ड्राइव द इशू एंड द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तीसरी चीज सर ये जो है जो एक्चुअली द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वॉट इज आवर स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन ये हमसे चीनी भी पूछते जो आप बात करते हैं ना कि स्ट्रेटिजिक हमारी जो डायरेक्शन फ्यूचर का कहाँ है मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें हम उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए लेकिन मैं क्लियर हूँ कि हमारी स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन क्या है। तो इसका ये जो हम, हम हमने ये सवा साढ़े तीन साल तकरीबन जिस तरह हमने नेविगेट किया है इस माइनफील्ड फील्ड में से और अल्लाह का करम यह है कि कोविड में भी हम सबसे बेहतर निकल गए ग्रोथ रेट डिस्पाइट एवरी थिंग ग्रोथ रेट इस इन हालात के अंदर हो गई और सारे इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस, टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू सब राइट डायरेक्शन पे है ये भी बड़ा एक ये नेविगेशन का कमाल था कि सारों को इंटरेस्ट को डील करते हुए यहाँ पहुँचे हैं बट मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अगर आप रिफॉर्म करना चाहते हैं सोसाइटी में अगर रिफॉर्म नहीं करना चाहते तो फिर तो आप इस गवर्नमेंट में सारों को खुश कर सकते हैं यानी कॉलेशन गवर्नमेंट में एवरी वन हैज़ अ शेयर इन द पाए लेकिन आप रिफ़ॉर्म करना चाहते हैं जब तक आपके पास एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में टू थर्ड्स मजारिटी नहीं है जो फंडामेंटल जो रिफॉर्म्स जो आपको करनी चाहिए और इस मुल्क में बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो बड़ा मुश्किल होता है करना सेनेट में मेजोरिटी नहीं है उधर फंस जाता जाके पहले तो बहुत ही मुश्किल था बिल उधर यहाँ से असम्बली से पास भी करवाते थे सैनट में फंस जाता था वहाँ अभी भी हमारी मजारिटी नहीं है तो एनी वे anyway, इसमें मैं समझता हूँ कि आज जिधर हम बैठे हैं अगर आप पाकिस्तान को देखें सारी दुनिया में जो कोविड ने डेवस्टेट किया है और जिस तरह हम मुझे याद है जब हम ये ये जब लॉकडाउन का टाइम आया यहाँ सारे पैनिक कर गए कि देखें वो इटली में देखें वो लॉकडाउन वहाँ अजीब अजीब सीन नज़र आ रहे थे हॉस्पिटल भरे हुए हैं लोग सड़कों पर स्पेन uh, में वो बड़ा बुरा हाल था फिर इंग्लैंड में तो मैं लॉकडाउन ही कर रहा था यहाँ पूरी तरह तो इतनी मुझे तनकीद की गई यहाँ तीन महीने गई आप तबाह हो गया इसके ऊपर एफ आई आर काटनी चाहिए ये लोग जो मर रहे हैं मैं सारों से ये पूछता रहा कि अगर मैं ये लॉकडाउन करूँगा तो ये जो जो निचला तबका वो क्या करेगा आज आप देख लें कि सारी दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी जगह निचला तबका पेश गया सारी दुनिया में डेमोस्ट्रेशन हुई हैं लॉकडाउन आई भी जर्मनी जैसी जगह पर लोग निकले हैं लॉकडाउन फ्रांस जो डिसिप्लिन लोग हैं क्योंकि हर जगह नीचे नीचे लोग क्रश हुए हैं इसके अंदर तो हमने इतनी प्रेशर लेके वो जॉन हॉपकिंस की रिपोर्ट आई है दो दिन पहले कि लॉकडाउन से एक्चुअली तो इकॉनमी uh, तबाह हुई है लेकिन जो क्या उन्होंने कहा टू परसेंट फर्क पड़ा है डेथ्स के अंदर सो so, ना वो उन्होंने जाने बचाई चाहिए तो हम तो वी हेड ऑफ एवरी वन तो बेरिंग एवरी थिंग हिंदुस्तान का हाल देख लें उनकी माइनस सिक्स परसेंट ग्रोथ रेट चली गई तो उसमें पाकिस्तान जिस तरह आज प्लेस्ड है अगर ये दो साल पहले कोविड से पहले अगर कोई सोचता कि पाकिस्तान की पोजीशन है तो हम बड़े खुश होते किस हद तक जो प्यूटन की उधर प्रेजेंस थी उसने इस चीज़ को फिलिप दिया और किस हद तक चीन के साथ जो रिलेशनशिप है वो असर अंदाज होती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली ऑन दी इंक्रीसिंग टाइज विद रशिया डू वी सी दिस एज अ लिंक असल में मैं जब टूटन से मिला था बिशकैक में मेरे ख्याल में दो साल पहले मीटिंग दो साल पहले हुई थी ना ने? तो बड़ा मेरी इससे लंबी uh, मीटिंग हुई और uh, जब इसने ट्वीट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने के लिए तो मैंने इसको एक वापस ट्वीट किया उसको अप्रिशिएट किया उसने फिर मेरे से टेलीफोन पे हमारी काफ़ी देर बात हुई आ, तो बेसिकली वो उसका ये भी इंटरेस्ट है उसने मुझे ख़ास कहा कि हम रशिया के अंदर हम हम आ रहा कोई इस्लाम नहीं है उसने कहा हमारे कोई थर्टी फाइव मिलियन मुसलमान हैं और वो जो ये ट्रिप है इसमें ख़ास तौर पर एक जो मस्जिद है बड़ी उनकी सबसे बड़ी मस्जिद है उसमें उसने उन्होंने कोई एक फंक्शन की हुई है स्टेट ओन इंटरप्राइज हैं जो कि नाइनटीन एटी में एट्टी टू परसेंट थे जी डी पी का अब वो एटीन परसेंट है जी डी पी का सो वी हैव वेरी सीरियस इशू सर हम चाइना से इंगेज करने में हमारे लीडरशिप लेवल पर तो बयान बड़े अच्छे होते हैं बहुत अच्छे हैं और चाइनीज़ भी हमें बड़ा उनकी दोस्ती मैंने दस साल से देखी है और उसके बाद भी जाता रहा हूँ पेंडेमिक में नहीं गया हूँ तो लेकिन हमें जो है वो हमारे किसी मिनिस्ट्री में आपको इंटरप्रेटर्स नहीं मिलेगा कहीं पर चाइना के नॉलेज सिविलाइजेशनल जो उनकी नॉलेज है अक्सर लोगों को पाकिस्तान में ये है कि चाइना की जो एडवांटेज है वो उनकी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है और पार्टी स्ट्रक्चर्स हैंक्चुअली इट इज़ मच बियड दैट इट इज़ चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक्स जो वो कहते हैं जो कहते हैं कि वो एक माइंड सेट है एक कल्चरल पैराडाइम है वी नीड टू अंडरस्टैंड वी नीड टू स्टडी वी नीड टू लर्न फ्राम देम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटिजिक रिलेशन्स हमारे इतने अच्छे रहे हैं लेकिन मैं क्या बताऊँ मेरा तो एक मोनोलोग हो जाएगा तो मैं वो नहीं चाहता तो बस वो हम जो है किसी इस पर तो हमारी थोड़ी छोड़ी ना आप अब फॉरेन ऑफिस से ही अब देख लें कि ज़्यादातर जो प्राइज्ड आपकी पोस्टिंग्स होगी वो या यूरोप हो अमेरिका होगा हमारी सारी बिजनेस देख लें एक्सपोर्ट्स या आधी अमेरिका है और आधी उधर हैं यूरोप में तो सारी हमारी ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स हमारे लीड सारी वहाँ जाती है तो कनेक्शंस चाइना के साथ तो नहीं हैं और गवर्नमेंट कनेक्शंस का ये नहीं मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के भी कनेक्शन हैं वो कोशिश कर रहे हैं अब हम ये जो हम हमने भी भी कोशिश की और यहाँ इस बारी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बिठाए हुए थे जूम के ऊपर ताकि और प्राइवेट सेक्टर से ही इस बारी ज़्यादातर तो आपकी प्राइवेट सेक्टर के साथ ही हुआ था प्राइवेट थे।, थे।, थे लेकिन आ, ये आप ठीक कह रहे हैं देखिए चाइना की जो मैं समझाऊ ना कि उन्होंने जो बड़ी यूनिक चीज़ की है कि हम डेमोक्रेसी को इसलिए डेमोक्रेसी बादशाह से आगे निकल गई क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ है उसमें मेरिटोक्रेसी है और क्योंकि वोट लेनी होती है तो उसमें ऊपर से पैसा नीचे चल, चला जाता है सो इनकम इनिकवालिटी कम होती है ये तीन खूबियाँ थी तो इन्होंने तो वो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के बगैर ये चीज़ अचीव कर ली यहाँ मेरिटोक्रेसी है इधर रूल ऑफ लॉ इन सेंस के जो शीजन पेंकी मैंने वहाँ पता चलवाया जो सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी की रीज़न है उसने कोई चार सौ टॉप मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को उसने उनका एहतार किया है वो लोग वहाँ ख़ुद बताते हैं कि उसकी मेन जो उसकी ग्राफ ऊपर गया वो उससे उसकी वजह से गया और फिर यू नो जो इन्होंने अमीर गुरबत काम की है ये तो दुनिया में कोई इससे तो कोई यूनिक फिनना है ही नहीं है तो ये ये जो उन्होंने अचीव किया आई मस्ट से मैंने जो लास्ट टाइम इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने हमें क्वार्टर्स बुलाया मीटिंग्स की जब उन्होंने लोगों से समझाया इनका सिस्टम मेरिटोक्रेसी का कि कैसे इनके वो सारा सिस्टम वर्क करता है कि ऊपर इनका बेस्ट टैलेंट लाने के लिए बड़ा रिमार्केबल है एक और पॉइंट जो है सर ये दो साल के बाद आपका विजिट हुआ जो बहुत अहम था आपकी कानवर्सी लीडरशिप लेवल हुई लेकिन चीन में एक और बहुत इश इम्पोर्टेंट इशू है कि हर लेवल पे कानवर्सीशन की ज़रूरत है फॉरेन ऑफिस की डीप कानवर्सीप डीप कानवर्सीशन्स चाइनीज़ फॉरन मिनिस्ट्री के साथ रेगुलरली होनी चाहिए होती रही हैं लेकिन ये कोविड की वजह से मसले हैं बीच में हमें यह भी कुछ थिंक टैंक्स वगैरह ने कहा और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो हिंदुस्तान के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं अमेरिका के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं लेकिन कॉन्वर्सेशंस नहीं हो सकें तो ये रेगुलर कॉन्वर्सेशंस जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं एट ऑल लेवल्स